हेलो स्टूडेंट, तो अब हम लोग अपना नया चैप्टर शुरू करते हैं, लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, क्या लॉज ऑफ मोशन? अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा था कि मोशन की स्टडी क्या है, वेलोसिटी क्या है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, या एक्सेलरेशन क्या है, इन सब की बात हम लोगों ने की थी। ठीक है, बट अभी तक हम लोगों ने कॉज नहीं जाना था। ठीक, कि व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन के कॉज क्या है? ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज का हो गया है फोर्स। ठीक है, इसी में आता है क्या आपका फोर्स। ठीक, तो कोई भी बॉडी मूव करती है तो उसके लिए क्या जरूरी होता है? फोर्स जरूरी होता है। ठीक है, अगर ये बॉडी अपने रेस्ट पोजीशन में, ठीक है, जब तक मैं इस पर फोर्स नहीं लगाऊंगा तब तक ये क्या करने करेगी? अपने इनिशियल स्टेट को चेंज नहीं करेगी। और अगर ये इनिशियल स्टेट पे है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या हुआ? ये गिर के रेस्ट पे आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी बॉडी को, क्या किसी भी बॉडी की जो स्टेट होती है, रेस्ट स्टेट हो या मोशन की स्टेट हो, इन दोनों में जो चेंज लाता है वो कौन लाता है? फोर्स लाता है। ठीक है, तो फोर्स के एक्चुअल में डेफिनेशन क्या वो देख लेते हैं। पहला टॉपिक क्या है? फोर्स। तो फोर्स क्या है? इट इज द एक्सटर्नल एजेंसी इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल, इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल टू चेंज इन इट्स इनिशियल स्टेट। अब इनिशियल स्टेट क्या हो सकती है? मोशन में भी हो सकती है और रेस्ट पर भी हो सकती है। तो याद रखा, रेस्ट एज वेल एज यूनिफॉर्म मोशन या मोशन लिख दीजिए। ठीक है, तो क्या है? ये एक एक्सटर्नल एजेंसी है। किस फॉर्म में? पुश और पुल फॉर्म में, जो कि क्या करती है? किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करती है। ठीक है, अगर रेस्ट पे है तो मोशन में लाएगी, अगर मोशन है उसको रेस्ट पे लाना होगा तो भी हमें क्या करना पड़ेगा? इस फोर्स का मदद लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको और मैं क्या कर सकता हूं? फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन टू एक्सेलरेट बॉडी। ठीक है, फोर्स क्या है? मोशन की कॉज है। ठीक है, अब मोशन की कॉज क्या है? मोशन कॉज ऑफ मोशन और रेस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, रेस्ट में या मोशन में जो कॉज होता है, रेस्ट क्यों हो रही है या मोशन में क्यों बॉडी, उसका कॉज क्या होती है? फोर्स होती है, जो कि एक्सेलरेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, बॉडी में। ठीक है, अगर रेस्ट पे लाना है तो इसका मतलब क्या हुआ? डिसेलरेट करना पड़ेगा, मींस एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा? नेगेटिव फॉर्म में रहेगा। अगर मोशन में लाना है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या करी होगी? इंक्रीज करी होगी। ठीक है, तो फोर्स क्या है? कॉज है मोशन का या रेस्ट का, टू एक्सेलरेट बॉडी। ठीक है, अब इसके बाद फोर्स के ये यूनिट क्या होती है? ठीक, इसके बारे में और साथ ही साथ फिर लॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं। ठीक है, तो फोर्स क्या होती है? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पहली बात क्या है? फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब वेक्टर क्वांटिटी पे इसका मतलब क्या होगा? फोर्स में मैग्नीट्यूड होगा,
और साथ ही साथ फोर्स में क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा, और वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज नहीं करेगा, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होती है, ठीक है, इट्स यूनिट इज न्यूटन, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन। और आपको मालूम है कि एसआई का कुछ रूल है कि जब भी किसी साइंटिस्ट के नाम पर अगर जो चीज दी जाती है तो उसका जो कैपिटल है वर्ड, केवल हम उसको ही यूज करते हैं, ठीक है। तो न्यूटन को आंसर डिनोट कर देते हैं। अब इसके बाद क्या है टॉपिक हमारा, इनर्शिया, ठीक। अब बात करते हैं इनर्शिया की, इनर्शिया क्या होता है। देखिए इनर्शिया क्या होता है, ये देखिए, इनर्शिया को आप ऐसे समझिए कि आपको क्या करना है, स्कूल आना है, मगर आपका मन क्या करता है, घर पर बैठने का। तो वो जो टेंडेंसी है आपको घर पर बैठाने की, ठीक है, वो आपकी क्या होगी, इनर्शिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इनर्शिया कहलाएगी। मीन्स आप जो अपने घर पे हो तो आप अपने घर पे ही रहना चाहोगे, टू रिगेन इट्स ओरिजिनल या इनिशियल स्टेट। हमेशा क्या करना चाहोगे, हमेशा इनिशियल स्टेट को रिगेन करने की कोशिश करना चाहोगे। सिमिलर फैशन में कोई भी बॉडी है, अगर वो मोशन कर रही है तो वो मोशन में रहना चाहेगी, और अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो ऑलवेज रेस्ट पे रहना चाहेगी, ठीक है। उसको जबरदस्ती हम लोग एक्सटर्नल एजेंसी देकर उसको क्या कराते हैं, मूव कराते हैं, ठीक है। तो इनर्शिया क्या है, किसी प्रॉपर्टी, किसी मैटर या ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है, टेंडेंसी टू रिगेन इट्स इनिशियल स्टेट, आइदर इट इज रेस्ट और इज यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो इनर्शिया क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच या ड्यू टू विच, ये भी ले सकते हो, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट ऑलवेज वॉन्ट्स टू रिगेन, wants to regain its initial state, initial state mein kya, either it is in rest or slash matlab off, means either it is in rest or in means, अगर rest पे तो rest पे रहना चाहिए, और अगर motion में तो वो motion में रहना चाहिए, ठीक है। अगर कोई body motion कर रही है, उसको external agency से हमने रोकने की कोशिश की, इसका क्या हुआ, उस external agency को हम क्या कहेंगे, force, जिसने उसकी state को क्या किया, change कर दिया, क्या कर दिया, उसके initial state को क्या कर दिया, change कर दिया। तो force की definition वही बताई थी, ठीक है। तो इनर्शिया क्या होती है, किसी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, हर बॉडी की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण वो हमेशा क्या चाहता है कि उसकी इनिशियल स्टेट हमेशा क्या रहे, रिगेन रहे। जो रेस्ट पे, तो वो रेस्ट पे ही रहने की कोशिश करेगा, अब ये बोर्ड रेस्ट पे, तो ये रेस्ट पे रहने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसको, इसकी स्टेट वो चेंज कब कर सकते हैं, जब हम इस पर कोई एक एक्सटर्नल एजेंसी लगा और इस बोर्ड को निकाल के बाहर रख दें, ठीक है, ऐसे समझिए, ठीक। तो ये क्या हो गया आपका, इनर्शिया हो गया, ठीक। तो इनर्शिया प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी होती है, ठीक है, मीन्स बॉडी टू बॉडी चेंज करती रहेगी, ठीक। अब और क्या है, अच्छा लीनियर मोमेंटम, अब लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर कुछ ग्राफ्स हैं उसके बताएंगे, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, टू रिगेन इट्स इनिशियल स्टेट और शेप भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं आप, शेप। शेप कैसे, स्पंज देखा आपने, उसमें एक फोर्स लगाया जिसको कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। एक आपने एक्सटर्नल एजेंसी लगाया, जैसे ही मैंने उसको छोड़ा तो स्पंज अपने इनिशियल स्टेट पर आने के लिए क्या करेगा, इंटरनली एक फोर्स लगाएगा जिसको कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक।
ठीक, वो भी एक इनर्शिया का एग्जांपल है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग को खींच दिया आपने, एक्सटर्नल फोर्स लगा, उसकी शेप और स्टेट चेंज हो गई, जैसे आपने उसको छोड़ा वापस वो क्या करेगा, उसी स्टेट में आने की कोशिश करेगा, ठीक है, उनको कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स और स्प्रिंग फोर्स। ठीक, अब बात करते हैं लीनियर मोमेंटम की। पी से डिनोट करते हैं और वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, तो इसको क्या करते हैं कि जो लीनियर मोमेंटम होता है ये एक्चुअल में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मूविंग बॉडी होता है। मीन्स अगर कोई बॉडी मूव करी तो उसका मोमेंटम निकल गया तो हम क्या कर सकते हैं, उस बॉडी की पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं कि फोर्स कितना लग रहा है उस पर, मोशन क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म हो रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है। ठीक, तो ये क्या कहते हैं लीनियर मोमेंटम एक्चुअल क्या होता है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मूविंग बॉडी। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, बाय मिस्टेक लिख दिया, क्या होता है ये वेक्टर क्वांटिटी था, मीन ये डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब क्यों डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, देखो मूविंग ऑब्जेक्ट है ना, अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है तो इसकी कुछ डायरेक्शन होगी, बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगी ना, ऐसा तो है नहीं, अगर कहीं पे भी मूव करे तो उसकी कुछ तो डायरेक्शन होगी, और अगर डायरेक्शन होगी तो जाहिर सी बात है कि फिर उसकी जो प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करेंगे तो वो भी क्या होनी चाहिए, वेक्टर होनी चाहिए। तो ये क्या है, लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, इसका भी एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन जो है वो क्या है कि जो लीनियर मोमेंटम है उसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल पी से, और जिसकी वैल्यू क्या होती है, मास इंटू वेलोसिटी। देखिए मास क्या है, स्केलर है, मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और v क्या, वेलोसिटी, ये क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो स्केलर वेक्टर का प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर ही तो होगा, इसलिए लीनियर मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब इसकी जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इज इन द डायरेक्शन ऑफ ठीक है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक, मीन्स जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी का होगा, मीन्स वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा, डायरेक्शन दोनों होगा, तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में क्या होगा, हमारा मोमेंटम भी रहेगा। ठीक है, अब यहां से आप इसकी यूनिट बता सकते हो, मास की क्या होती है, यूनिट ऑफ मोमेंटम को पी से दिखा दे रहा हूं। ठीक है, तो यूनिट जो होगी मोमेंटम को, क्योंकि मास को क्या लिखते हैं एसआई में, केजी। ठीक, वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, मीटर अपॉन सेकंड, सेकंड को मैं क्या लिख दूंगा, इनवर्स लिख दूंगा। ठीक है, केजी मीटर इंटू सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये हो गई इसकी एसआई यूनिट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, और कुछ तो नहीं है इसमें एक्सप्लोर करने को। ठीक है, इतना ही था। ठीक, तो ये आपका लीनियर मोमेंटम। अब बात कर लेते हैं सम ग्राफ रिलेटेड टू लीनियर मोमेंटम वेलोसिटी एंड
ठीक है, पहला ग्राफ एक बार मैं देख लूँ क्या है। अच्छा, मोमेंटम और वी के बीच में, ठीक है, पहला ग्राफ क्या है, मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच में, ठीक है, मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच में। अब यहां देखिएगा ध्यान, मैथमेटिक्स देखिएगा, यहां पर आपको मालूम है मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, और हमें क्या मालूम है, जो हमारा मास होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट, बट न्यूटोनियन मैकेनिक्स में ही मास कांस्टेंट होता है, याद रखिएगा, मास कांस्टेंट रहेगा, पर कब रहेगा मास कांस्टेंट, इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स ओनली, इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स ओनली, ठीक है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में ही मास कांस्टेंट रहेगा, रिलेटिविस्टिक में मास वैरी करेगा, ठीक है, तब ये ग्राफ नहीं बनेगा, ठीक, रिलेटिविस्टिक आपको पढ़ने नहीं है तो अभी कोई मतलब नहीं है, नहीं तो आपको फॉर्मूला बताया है कि जो मास का रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ठीक है, तो अभी तो ये पढ़ना नहीं है, तो अभी न्यूटोनियन मैकेनिक्स चल रही है क्योंकि लॉज ऑफ मोशन न्यूटन नहीं है, ठीक है, न्यूटन ने दिए थे, तो देखिए अगर ये मास कांस्टेंट है तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं, मीन्स इफ मास इज कांस्टेंट देन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, मीन्स एज वी इंक्रीजेस मोमेंटम इंक्रीजेस, एज वी डिक्रीजेस मोमेंटम डिक्रीजेस, इसका मतलब जब भी कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो उसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, लीनियर होगा, लीनियर और स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और मोमेंटम बढ़ा कर देना, क्लियर हुआ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसे आप ओम्स में पढ़ेंगे वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और जब वी और आई के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो भी क्या आता है, स्ट्रेट ही आता है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे आई इंक्रीज करेगा वैसे वैसे हमारा क्या करेगा, वी भी इंक्रीज करेगा, सिमिलरली जैसे जैसे हमारा मोमेंट वो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी मोमेंटम इंक्रीज करेगा, एज वेलोसिटी इंक्रीजेस मोमेंटम देखे इंक्रीज कर रहा है, एज वेलोसिटी इंक्रीजेस मोमेंटम इंक्रीज, एज वेलोसिटी इंक्रीजेस मोमेंटम इंक्रीज, ठीक है, अब दूसरा क्या है, मोमेंटम और मास के बीच में, ठीक है, तो अब जो सेकेंड है हमारा वो किसके बीच में है, अब इसके बीच में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें तो मालूम पी इज इक्वल टू एम सी होता है, ठीक, बट अब इसमें बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कि हमें कंसीडर करना पड़ेगा कि जो हमारी वेलोसिटी होती है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, क्या, क्योंकि हमें क्या मालूम है, P इज इक्वल टू एम जी, ये मालूम है, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी हमें कांस्टेंट रखनी है, ठीक, और उसका मास हम क्या करते हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, अब लेट सपोज करो ये चौक है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, अब मैं क्या करूं, इस डस्टर को लू, अब इसको भी मैं क्या करूं, इसको भी 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भगा रहा हूं, अब इसको भी क्या करूं, 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से क्या करूं, मूव कराऊं, ठीक है, तो देखिए इसमें मोमेंटम कम लगा और इसमें मोमेंटम ज्यादा लगा, क्यों लगा, क्योंकि इसका मास अब क्या कर गया, इसके कंपैरिजन में ज्यादा हो गया, मीन्स वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी सेम का मतलब क्या, वेलोसिटी कांस्टेंट है बट हमारा जो मास है वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एज मास इंक्रीजेस मोमेंटम ऑल्सो इंक्रीजेस, बट केस क्या है, इफ आवर वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट, मीन्स ये केस कौन सा है, व्हेन व्हेन वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट किसमें होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में,
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, आई थिंक यही होता है। ठीक, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है टाइम, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वेलोसिटी नहीं, ये गलत होगा, ठीक है ये गलत होगा, केवल वेलोसिटी व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है। क्यों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्यों नहीं दिखा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो मीन्स क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज करती चली जाएगी, तभी तो वो जो डिफरेंस होगा वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होगा, ठीक है उसको हटा देना। ठीक, आप फॉर्मूले से भी आप लैंग्वेज बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट, तो उस समय जो मोमेंटम होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एम के होगा। तो अगर ऐसा होगा फिर से क्या बन जाएगा हमारा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। लिख देना यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हो, ये अच्छा वर्ड है, क्या यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या, वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी, ठीक है। तो ये था आपका केस, अब बात करते हैं तीसरा, कुछ का ग्राफ है, एक बार तीसरा ग्राफ में देख लो किस किस के बीच ड्रॉ करना है। ओके, अब ड्रॉ करना है, देखिए एक बार हमने मास को कांस्टेंट रखा, वेलोसिटी चेंज की, एक बार वेलोसिटी को कांस्टेंट रखा, मास को चेंज किया, अब क्या करते हैं मोमेंटम को कांस्टेंट रखते हैं और मास और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, लेट मोमेंटम ऑफ, लेट मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज बी सेम बट But their masses are m1 and m2 acquiring velocity v1 and v2 respectively. ठीक है, तो हमने क्या क्या, मोमेंटम दोनों का सेम है बट उनके मासेस और वेलोसिटीज क्या है अलग अलग है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें तो ग्राफ ड्रॉ करना है किसके बीच में, वेलोसिटी और मास के बीच में, ठीक है। तो देखिए पहले मैथमेटिक्स बना लिया करिए तो ग्राफ बनाना इजी हो जाता है। तो हमें मालूम है कि जो हमारा P1 है वो किसके बराबर है, P2 के, पहले बॉडी का P1 मान लिया, दूसरी बॉडी का P2 मान लिया। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, M1 V1 is equal to क्या होता है M2 V2, दूसरी बॉडी के लिए मास क्या है M2 और वेलोसिटी क्या V2, तो P1 के लिए क्या हो गया M1 V1, P2 के लिए क्या हो गया M2 V2। ठीक, अब यहां से क्या कर सकते हैं, V1 upon V2 is equal to V1 upon V2 is equal to M2 upon M1. ठीक, मीन्स अब देखो तो जो V1 है यहां पर मास का M2 है, मीन्स जब वेलोसिटी का रेशियो V1 upon V2 कर रहा हूं तो मास का रेशियो क्या है M2 upon M1, मीन्स इसको यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये क्या हो गया दोनों, मीन्स M1 V1 is equal to क्या हो गया M2 V2, मीन्स ये हमेशा क्या रहना है कॉन्स्टेंट, क्योंकि दोनों क्या है इक्वल है,
तो हम ये भी लिख सकते हैं जो एम वन वी वन की वैल्यू होगी वही एम टू वी टू की वैल्यू होगी, और जो कुछ भी होगी उसको मैंने कॉन्स्टेंट बोला, कॉन्स्टेंट होगी क्योंकि मास भी कॉन्स्टेंट और वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी कॉन्स्टेंट, क्योंकि अभी मैंने डायरेक्शन नहीं लिया है, सिंपली मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, ठीक। तो कोई कॉन्स्टेंट वेलोसिटी हो गई, इसका मतलब क्या हुआ जो हमारा मोमेंटम है इस केस में वो क्या है कॉन्स्टेंट, मीन्स कोई भी बॉडी और कोई वेलोसिटी हो मोमेंटम क्या है इन दोनों बॉडी का सेम, तो इसलिए मैंने मोमेंटम को क्या रख दिया सेम रख दिया। अब यहां से अगर मैं मास को लूं तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट अपॉन जी, ये हो जाएगा। इस पार्ट को अभी छोड़ दो, कोई मतलब का नहीं है, ठीक है, यही से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए m1 v1 पहले और बॉडी का जो मोमेंटम है सेकंड बॉडी का मोमेंटम सेम है, इसका मतलब जो मोमेंटम है वो क्या है कॉन्स्टेंट है, तभी तो दोनों क्या हो गए सेम हो गए। तो देखिए अब m की वैल्यू निकालूंगा तो कॉन्स्टेंट अपॉन v होगा, ठीक है, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को जब भी मैं हटाता तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट आता है, क्या आता है प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट, जिसको हम कहते हैं इनवर्स, क्या हो गया m inversely proportional to v, means as velocity increases mass decreases, as mass decreases velocity increases, ठीक। तो जो 1 by something का कोई भी 1 by x का अगर तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो समथिंग कैसा कैसा आता है, ऐसा कुछ बन के आता है, हाँ ठीक है, ये x स्क्वायर के लिए थोड़ा होता है, ये थोड़ा और नीचे बन जाता है, ठीक है, थोड़ा ऐसे बनता है, थोड़ा स्मूथ बनाइएगा, ठीक है, और ये टच नहीं करना चाहिए, इनफाइनाइट पे ही टच करेगा, ये क्या करेगा इनफाइनाइट पे टच करेगा, ठीक। तो ये तो हो गया आपका बेसिक कि इनर्शिया क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, ठीक, फोर्सेस क्या होती हैं। अब इनके बेसिस पे न्यूटन ने तीन लॉ दिए थे, ठीक है, सर आइजैक न्यूटन ने तीन लॉ दिए थे, अब वन बाय वन पढ़ते हैं, ठीक, क्या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक, फर्स्ट लॉ क्या था पहले समझ लो फिर लिख लो, ठीक है। पहला लॉ क्या है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी, और अगर कोई बॉडी रेस्ट पे तो वो रेस्ट रहेगी, कब तक, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे ना, जैसे एक्सटर्नल फोर्स आ गया तो फोर्स का काम क्या होता है स्टेट को चेंज कर देना, ठीक है। तो कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे तो वो क्या रहेगी रेस्ट पे रहेगी, अंटिल और अनलेस व्हेन एन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट या एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट ऑन इट, ठीक है, जब तक उस बॉडी पे जब तक एक्सटर्नल फोर्स लगेगी नहीं तब तक वो बॉडी अपना स्टेट चेंज नहीं करेगी, ठीक। तो स्टेटमेंट क्या है, इफ अ बॉडी मूव्स इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म क्या ऐसे लिखिए कुछ लैंग्वेज बनाए, द बॉडी कंटिन्यू टू बी इन मोशन और इन रेस्ट until or unless some external agency acts on it, okay, the body continues to be in motion, to be in motion, ठीक है, इन लगा देना, द बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन मोशन
or in that rest until or unless some external agency acts on it. ठीक है, waste कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे तो वो रेस्ट पे रहेगी. कब तक? जब तक कि कोई एक्सटर्नल एजेंसी उस पे एक्ट ना करे. जैसे एक्सटर्नल एजेंसी की बात आई, कॉज आया चेंज होगा स्टेट में, और अगर स्टेट में चेंज होगा तो क्या होगा, वो अपने स्टेट को चेंज कर जाएगा. ठीक है, और यही हमारी फोर्थ की डेफिनेशन होती है. तो इससे दो चीजें फाइंड आउट हुई. फर्स्ट क्या कॉन्सेप्ट आया फोर्स का, जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया. ये जो एक्सटर्नल एजेंसी को क्या फोर्स ही तो है. तो पहला जो कॉन्सेप्ट आया फोर्स का वो यहीं से आया, मैंने आपको पहले पढ़ा दिया. बट जो एक्चुअल में फोर्स की जो बात आई फिजिक्स में वो फर्स्ट लॉ से आई. ठीक, और इसी लॉ से कौन सा कॉन्सेप्ट दिया गया, इनर्शिया का. मीन्स अगर कोई बॉडी रेस्ट मोशन में तो मोशन में रहेगी, मीन्स अपने स्टेट को छोड़ना नहीं चाहेगी जब तक कि एक्सटर्नल एजेंसी ना आए. तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इनर्शिया. तो बोलते हैं जो अपनी स्टेट को हमेशा क्या करे, रीगेन करने की कोशिश करे. तो दो कॉन्सेप्ट निकल के आए थे यहाँ से, फोर्स और इनर्शिया का कॉन्सेप्ट निकल के आया था फर्स्ट लॉ से. ठीक है, अब सेकेंड क्या है, अभी तक हमने सेकेंड लॉ पढ़ा था F इक्वल टू एम है. ठीक है, अभी तक आपने क्या पढ़ा होगा, F इक्वल टू एम ए का. अब देखिए सेकेंड लॉ क्या कहता है, थोड़ा आपको चेंज लगेगा और डाइजेस्ट करना पड़ेगा. क्या कहता है सेकेंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the force applied on an object. तो सेकेंड लॉ क्या करता है, फोर्स को मैथमेटिक्स में फॉर्मुलेट करता है. ठीक है, पहला लॉ कॉन्सेप्ट दिया फोर्स का, सेकेंड लॉ को, सेकेंड लॉ मैथमेटिक्स बताता है फोर्स की. ठीक है, और क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, टाइम के साथ जो मोमेंटम चेंज हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स के होगा. ठीक है, मीन्स ये मैं कहना चाह रहा हूं, या सेकेंड लॉ कहना चाह रहा हूं, मैं कहता हूँ, मैं तो जो किताब में पढ़ा है वही बोल रहा हूँ. ठीक है, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, मैंने बताया डीपी अपॉन डीटी, देख कर डरना नहीं. ये चेंज बताता है कि मोमेंटम टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है. ठीक, तो फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी अपॉन डीटी. ठीक है, यही है हमारा क्या, सेकेंड लॉ. ठीक, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि अगर मैं इसको हटाता हूं तो क्या होता है, एक कॉन्स्टेंट जुड़ेगा. एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि के की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है. Experimentally, it is found that k is equal to क्या होती है, 1. तो अब जो फोर्स होगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, सिंपली ये रहा मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन. ठीक, तो अभी कहोगे कि सर तो फिर हमने जो हाई स्कूल पढ़ा था वो गलत है, फिर टाइम है कैसे हो गया. ठीक है, सही है वो अभी. ठीक है, पर सबसे जनरलाइज ये है, क्यों जनरलाइज है यही बताता हूं. पहले अभी यहां ध्यान से देखो,
मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं, पी को ये लिख सकते हैं, क्योंकि मास का यहां पर कांस्टेंट है। व्हाई? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स पर है, रिलेटिविस्टिक में, तो कांस्टेंट को हम इसे बांध देते हैं और इसका डेरिवेटिव करते हैं। हमें मालूम है चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब आपने जो पढ़ा था वो भी क्या है, सही है। ठीक है, यहां से यूनिट क्या निकलेगी, फोर्स है ये यूनिट। ठीक है, फोर्स की यूनिट क्या होगी, मास को क्या लिखेंगे, केजी, एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे, मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटन भी बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है किसको कांस्टेंट, एफ इक्वल टू एम ए जो किया गया, ये मैंने बोला कि ये क्या है, एक पर्टिकुलर कैसे, ये सबसे जनरल फॉर्म है। ये क्यों बोला, अगर बेटा मास वेरी करेगा टाइम के साथ, जो कि रिलेटिविस्टिक में होता है, इफ एम इज नॉट कांस्टेंट, हम मान तो रहे हैं बट कौन से केस में, इन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। मीन्स जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो वो लगभग क्या हो, कंपेरेबल हो स्पीड ऑफ लाइट के, तब रिलेटिविस्टिक लगती है। अगर लाइट की स्पीड से कम है तो क्या करेंगे हम, उसको नहीं मान सॉरी। तो देखिए, अगर m कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, अब m कांस्टेंट नहीं है जो कि हम डेरिवेटिव के भाग जाए, अब m भी क्या कर रहा होगा, वेरी कर रहा होगा, तो ये भी एक फंक्शन की तरह ट्रीट होगा और ये भी एक फंक्शन की तरह ट्रीट होगा। तो प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ वन। तो क्या होगा, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ वन। अगर मैं मास को कांस्टेंट लेता तो m अगर कांस्टेंट हो गया तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, तो ये पार्ट गायब हो गया, तो वापस से ही मिल जाएगा, मिलेगा ना। बट अगर मास वेरी करना टाइम के साथ तो फिर क्या होगा, ये पार्ट जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, सबसे जनरल फॉर्म है। ये क्या है, सबसे जनरल फॉर्म है। एफ इज इक्वल टू एम ए क्या है, पर्टिकुलर केस है, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में वो यूज नहीं होता। ठीक है, जनरल फॉर्मूला। तो कभी भी आपसे कोई फोर्स पूछे तो डायरेक्ट एफ इज इक्वल टू एम ए वन लगा के डीपी अपॉन डीटी लिखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे, मैंने कारण बता दिया है क्यों होता है। ठीक है, उसको जनरल फॉर्मूला क्यों बोला जाता है। अब बात करते हैं किसकी, अब किसकी बात होगी, अच्छा थर्ड लॉ की, वो तो सभी के मुंह पर याद रहता है, सबको जुबान पे एकदम रटा रहता है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, क्या, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो जो रॉकेट आपका मूव करता है वो भी इसी प्रिंसिपल पे है। ठीक, अगर एफ ए बी लें, मीन्स फोर्स ऑन ए इज ड्यू टू बी, ठीक दे रहा हूं, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, मीन्स दो ऑब्जेक्ट हैं ए और ठीक है, ये आप हो ऑब्जेक्ट बी, ठीक है, ये वॉल है।
आपने इस पे क्या किया, फोर्स किया, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ए पे कितना फोर्स आपने लगाया वो क्या है एफ ए बी। ठीक, जैसे ही आपने दीवार पे हाथ मारा तो आपको चोट लगी, इसका मतलब क्या हुआ, अब ए ने आपके ऊपर क्या किया, एक फोर्स लगाया, आपने फोर्स इस डायरेक्शन लगाया और उसने फोर्स इस डायरेक्शन दिया, तो डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव साइन यूज करते हैं। ठीक, और जो बी ने ए पे लगाया वो क्या है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ठीक, तो क्या हुआ, जो इस वॉल ने इस पे लगाया फोर्स ऑन बी, सॉरी फोर्स ऑन ए, एक मिनट, ए ने बी पे लगाया ना, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, मीन्स दीवार ने जो मैन पे लगाया वो क्या था, ये फोर्स, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन। अब इस मैन ने इस पे क्या लगाया, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, बी के कारण ए पे जो फोर्स था वो ये था, और जो वॉल ने इस बंदे पे फोर्स लगाया वो क्या था, ये था, बट दोनों के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए एक नेगेटिव साइन यूज कर दिया। ठीक है, तो ये एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हो गया। ठीक, अब बात आती है सर किसको एक्शन बोलेंगे, किसको रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, मिसकॉन्सेप्शन रहता है, बहुत से लोग गलत भी बोल देते हैं, ठीक है, पढ़ा भी देते हैं गलत। किसी को भी एक्शन बोल सकते हो, किसी को भी रिएक्शन बोल सकते हो, डिपेंड करता है किसको एक्शन बोले, जिसको एक्शन बोलोगे उसके जस्ट अपोजिट रिएक्शन होगा। ठीक है, अगर रिएक्शन को पहले बोल दिए तो उसका जस्ट अपोजिट एक्शन होगा। एक एग्जांपल लीजिए, ये एम मास का ब्लॉक है, किसी टेबल पर रखा गया है। ठीक है, ठीक, ये टेबल पर रखा गया है, बड़ा सवाल लंबा कर दो सही रहेगा। ठीक, ये किसी टेबल पर रखा गया, तो अब देखिए इसके नीचे जो है एम जी लग रहा है। ठीक, तो जस्ट इसके अपोजिट क्या होगा, न्यूटन थर्ड लॉ के अपोजिट एक फोर्स लगेगा, जिसे हम नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। हर ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल फोर्स लगती है। ठीक है, टू बैलेंस द फोर्सेस। ठीक है, तो अब देखिए अगर मैं इसको एक्शन बोलता हूं, क्या इसको मैं एक्शन बोलूंगा, तो नॉर्मल फोर्स को क्या बोलूंगा, रिएक्शन बोलूंगा। अगर मैंने इसको एक्शन बोला तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, रिएक्शन बोलूंगा। तो डिपेंड करेगा कि हम किसको एक्शन बोल रहे हैं, किसको रिएक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है सबसे पहले दिमाग यही जाता है, एम जी एक्ट कर रहा है, जैसे बोलते हैं एम जी एक्ट कर रहा है, एक्ट मतलब एक्शन हो रहा है, तो लोग बोल देते भैया ये एक्शन ही होता है, पर जरूरी नहीं है, ये रिएक्शन होगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स उसका एक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो दिमाग में बात याद रखेगा कि किसी को भी एक्शन और किसी को भी रिएक्शन ले सकते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज है। ठीक, अब किसकी बात आती है, इम्पल्स। देख लो वीडियो चल रहा है, चलिए इम्पल्स की बात कर लेता हूँ जल्दी से। ठीक है, इम्पल्स एक्चुअल में क्या होता है, इसको डिनोट इस तरह करते हैं, एफ इंटू टी, मैथमेटिक्स के फोर्स इंटू टाइम को क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। ये भी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन डायरेक्शन सेम एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक, जो डायरेक्शन इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन क्या होगा, इम्पल्स लगेगा। अब देखिए इसको एक्चुअल में कैसे करते हैं, कि एक बॉडी है इस पर मैंने फोर्स लगाया बहुत ही स्मॉल इंटरवल dt टाइम के लिए। ठीक, क्या लगाया, मैंने एक फोर्स लगाया छोटे इंटरवल dt टाइम के लिए इस बॉडी पे, तो ऐसी फोर्सेस को क्या बोलते हैं, इम्पल्सिव फोर्सेस बोलते हैं। ठीक, फोर्स
एक्टॉन एक्टॉन सम ऑब्जेक्ट हैविंग मास having mass small m force act on some object having mass m for a small interval of time ठीक इसको मैं ब्रैकेट में डीटी लिख दूं then such forces is called such forces is called impulsive forces. क्या बोलेंगे ऐसे forces को? Impulsive forces. कुछ time के लिए जो forces लगते हैं उनको impulsive forces बोलते हैं. Means force को time के साथ multiply कर दो तो क्या मिल जाएगा? Impulsive force. Means जो di है हमारा छोटी सी impulse तो क्या होगा? Force तो पूरा लगा but time interval क्या था? Small था. ठीक? अब अगर मैं पूरे की बात करूं सो टोटल इंपल्सिव फोर्स एक्ट ऑन गिव एन इंटरवल ऑफ टाइम given interval of time is called मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेना ठीक है थोड़ा नीचे लिखने में दिक्कत होती है मुझे is called impulse means किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या किसी भी ऑब्जेक्ट पे कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ ठीक तो उस फोर्स को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करने पे जो भी क्वांटिटी मिलेगी वो हमारी क्या कहलाती है इम्पल्स कहलाती है ठीक है यही होता है ना ठीक अब चलिए जल्दी से बात कर ही लें ये अगले लेक्चर में बात करें क्योंकि बहुत बड़ा बन चुका है ऑलरेडी ठीक है चलिए इसी में खत्म कर देते हैं एक स्टेटमेंट है ये देखिए show that change in linear momentum is equal to impulse जो मोमेंट linear momentum में change है वो किसके बराबर है impulse के बराबर है हमें प्रूफ करना है ठीक है तो देखिए क्या करते हैं चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या हुआ इसको प्रूफ करना है तो पहले हम क्या करते हैं इंपल्स के बारे में बात कर लेते हैं हमें मालूम है आई इज इक्वल टू क्या होता है एफ इंटू कुछ इंटरवल टाइम का होगा तो जिसको मैं डेल्टा टी लिख दूं कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है इंटरवल क्या जिस इंटरवल से लेके फाइनल इनिशियल इंटरवल से लेके फाइनल इंटरवल को इसे ऐसे लिख सकता हूं ठीक है तो ये हो गया हमारा इंपल्स ठीक है अब बात आती है यहां पे देखिए आई क्या होता है हमारा इसको क्या लिखते हैं डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी क्योंकि अभी हम किसकी बात कर रहे हैं बड़े इंटरवल की बात कर रहे हैं फॉर लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम जब स्मॉल की बात करेंगे ये सब डेल्टा किस में कन्वर्ट हो जाएंगे फॉर लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम ठीक तो अब देखिए यहां से ये क्या हो गया कैंसिल हो गया तो हमारा जो इंपल्सिव फोर्स इंपल्स है वो क्या होगा चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर हो गया यहां से डायरेक्ट ठीक है ये मैंने शॉर्ट में निकाल दिया यहां मैंने बहुत लंबा किया होगा अब देखिए ये तो बात हो गई लार्ज की बट हम क्या करते हैं
शॉर्ट को लेके जल्दी जल्दी क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ करिए फॉर स्मॉल इंटरवल, सबसे जनरल क्या होता है डिफरेंशिएशन, ये तो नॉर्मल था ठीक है। फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम ठीक, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम dt, इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है s, क्योंकि स्मॉल इंटरवल के लिए तो जो ऐसे कर देंगे ठीक। डेल्टा t टेंडिंग टू वर्ड जीरो, तो ये डेल्टा किस पर कन्वर्ट करेगा dt में, क्योंकि अभी स्मॉल इंटरवल है, ये लार्ज इंटरवल था इसलिए डेल्टा लगाया है, d लगाएंगे तो स्मॉल इंटरवल। तो अब फोर्स को क्या लिखेंगे, स्मॉल स्मॉल, इसको क्या लिख सकते हैं dp अपॉन dt इंटू dt ठीक है। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा, अगर मैंने स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम लगाया तो हमारा इंपल्स भी क्या होगा, स्मॉल होना चाहिए था, हाँ या ना ठीक। अब क्या करें, इंटीग्रेशन पहुंचता है तो सॉरी यहां ही नहीं रहेगा ठीक है, और यहां क्या हो गया dp का इंटीग्रेशन ठीक, दोनों साइड क्या करते हैं इंटीग्रेशन कर दिया। अब देखिए पहले जो इनिशियल था उसको मैं p1 मान लू और जो फाइनल था उसको मैंने क्या मान लिया p2 मान लिया ठीक। सिमिलरली मैं इसको भी मार दूं, क्या इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए di का जो इंटरवल है वो क्या हो जाएगा, जो di है उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सिंपली i, हाँ या ना। पहले इंटीग्रेशन लेट सपोज करिए इनिशियल जब फोर्स लगी नहीं थी उस समय हमारा इंटीग्रेशन i की वैल्यू क्या रही होगी, अगर जब फोर्स टाइम ही नहीं था जीरो इंटरवल ऑफ टाइम पे क्या रही होगी फोर्स, जीरो ठीक। अगर कुछ टाइम है तो उस पर मैं आई मान लेता हूं ठीक, तो इंटीग्रेशन आई क्या होगा जीरो से आई ठीक। यहां पे जो इंटीग्रेशन होगा पी का वो क्या होगा, पी लिमिट क्या होगी पी वन से पी टू ठीक है। अब यहां देखिए इंटीग्रेशन पहले अपर लिमिट को रखेंगे तो क्या हो जाएगा आई, लोअर लिमिट की वैल्यू तो जीरो ही होनी है, सॉरी अगर ये वेक्टर है तो इसे वेक्टर लिख दीजिए ठीक। यहां पे देखिए पहले मैंने p की जगह क्या रखा p2, फिर रखा माइनस p1, इसको चेंज बोलते हैं चेंज ऑफ मोमेंटम, तो लिख दिया मैंने चेंज ऑफ मोमेंटम, ये रहा आपका प्रूफ। तो जब पेपर आए तो आप ये वाला तरीका निकालिएगा, इस वाले की कोशिश ना करिएगा क्योंकि ये जनरल नहीं है, सबसे जनरल ये है ठीक है, सबसे करेक्ट फॉर्म ये है। अब आप बोलोगे सर यहां हमने जीरो क्यों नहीं लिखा, बेटा जिस इंटरवल पर हम मेजर करें उस समय बॉडी मूव कर सकती है, बट जिस इंटरवल पर हम मेजर करें उस समय हमारा टी जीरो है, और टी जीरो है तो इम्पल्स जीरो है उस समय इम्पल्स जीरो है, चाहे फोर्स कुछ भी हो फोर्स तो रहेगा, टाइम जीरो है ना। जिस समय हम ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे थे, जब मैंने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर रहा था उस समय जो हमारा टाइम था वो जीरो था ठीक है, तो उस समय इनिशियल क्या हो गया जीरो हो गया, बट उस समय बॉडी तो मूव कर रही थी, अब बॉडी मूव कर रही थी उस पर कुछ फोर्स लग रहा होगा ठीक है, तो फोर्स जीरो नहीं होगा टी इक्वल टू जीरो पे, मोमेंटम जीरो नहीं होगा टी इक्वल टू जीरो पे, बट इंपल्स क्या होगा टी इक्वल टू जीरो पे जीरो होगा, तो इनिशियल जीरो फाइनल आई ठीक, क्लियर हो गया। इसीलिए मैंने कॉन्स्टेंट यूज नहीं किया है ठीक है। तो ये था आपका एक क्वेश्चन या स्टेटमेंट, और ये याद रखना है, पिछले दो साल से क्वेश्चन में कुछ ना कुछ घुमा फिरा के बना दिए जा रहे हैं मैकेनिक्स में क्वेश्चन ठीक है, जो स्टेट यूनिवर्सिटी के एग्जाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं ठीक। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली बार हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे ठीक, और उसके बाद हम लोग कुछ मेथड्स पढ़ेंगे ठीक।